हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव, यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ट्रिग्नोमेट्री। और ट्रिग्नोमेट्री के अप्रोक्स हम लोग 140 के लगभग क्वेश्चंस कर चुके हैं, शुरुआत से लगभग 150 भी हो गए होंगे। अब हम लोग थोड़े से दो तीन वीडियो में और बनाऊंगा और उसके बाद मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा मिनिमम और मैक्सिमम, और फिर मैं आपको पढ़ाऊंगा हाइट एंड डिस्टेंस। ऐसे पढ़ेंगे दो तीन वीडियोज़ के बाद। तो आज की क्लास में कुछ आसान आसान क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, तो शुरुआत करते हैं। और जैसा आप लोगों को पता है कि मैं ऑफलाइन पढ़ाता हूँ मदर्स एजुकेशन हब में, और ऑनलाइन पढ़ाता हूँ मैं अनअकेडमी प्लस पर। अगर कोई भी स्टूडेंट ऑनलाइन मुझे ज्वाइन करना चाहे तो मेरे चैनल का नाम है मैथ्स विद पवन राव। ये वहाँ पर एक रेफरल कोड मांगता है, उसमें लिख दोगे तो 10% फीस में डिस्काउंट हो जाएगा। आप कोई भी अगर ज्वाइन करना चाहे तो उसका डिडक्शन हो जाएगा फीस में 10%। तो आप लोग मैथ्स विद पवन राव ये आप लोग लिख सकते हो, रेफरल कोड मांगेगा उसकी जगह लास्ट में मांगता है, तो फीस में 10% डिस्काउंट हो जाएगा। तो देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की आज की क्लास। ये है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा। आसान आसान क्वेश्चन करवा रहा हूँ, आसान क्वेश्चंस भी आते हैं ध्यान रखना, एकदम ओनली अच्छे लेवल के क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं, आसान क्वेश्चंस भी मैंने आपको करवाए हैं। और बाकी तो मैं कोई भी बुक लेकर, जो हम लोग आईआईटी के लिए तैयारी करते हैं एंट्रेंस एग्जाम के लिए, उसकी भी बुक्स लेकर मैं क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं। हमें उसी लेवल का पढ़ना चाहिए जिस लेवल का एग्जाम में आता है, उससे थोड़े से ज़्यादा लेवल का। बाकी और टफ क्वेश्चंस, और कितने भी टफ क्वेश्चंस तो कितने भी करवा दो चाहिए, लेकिन उससे ज़्यादा फायदा नहीं होगा। आपका भी टाइम वेस्ट होगा और मेरा भी टाइम वेस्ट होगा। वैसे मैंने अच्छे क्वेश्चंस भी करवाए हैं, ये आपने देखे होंगे, सी प्लस डी जितने भी बनते हैं वो मैंने सारे करवाए हैं। तो आप लोगों को आसान क्वेश्चंस भी आते हैं, ये भी आप लोग ध्यान रखना। देखिए जैसे, और जो भी क्वेश्चन मैं लिखूं ये आसान आसान क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान। आप लोगों को वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन करने की कोशिश करनी है। जो भी क्वेश्चन मैं लिखता हूं इसके लिए आपको वीडियो पॉज करना है और करने की कोशिश करनी है। ठीक है ना, इस प्रकार से अपने पास ये वाला क्वेश्चन है। तो जैसे ही क्वेश्चन आए, क्वेश्चन मैंने लिख दिया है, अब वीडियो पॉज करना है और क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करनी है। तो देखिए मैं आप लोगों को बताता हूँ, ये साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा दोनों तरीके से आप लोग ये वाला क्वेश्चन कर सकते हो, जैसे चाहो वैसे ही हम लोग क्वेश्चन कर लेंगे। कैसे, अब मैं ऑप्शन हटा देता हूँ या इधर ही सोल्व कर देता हूँ। इस साइड ये लिखा हुआ है साइन थीटा प्लस कोसेक थीटा का होल स्क्वायर। तो साइन थीटा का मतलब होता है 1/sin² थीटा, साइन थीटा। तो हम लोग लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा, होल स्क्वायर खोलोगे तो प्लस 1/sin² थीटा प्लस 2a² + b² + 2ab। 2ab का मान अब की बार 1 होगा, और ये खोलोगे तो कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1/cos² थीटा प्लस 2। ये 2 और 2 मिलकर 4, 1 और ये दोनों मिलकर 1 बनाएंगे। साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है। आगे देखिए अपने पास क्वेश्चन इस टाइप से है, 1/sin² थीटा। तो साइन ऊपर जाएगा तो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, कोसेक स्क्वायर में, या कोसेक में ही रख लेते पहले ही। और ये क्या होगा तो 5 + cosec² थीटा 1 + cot² थीटा। टेन स्क्वायर थीटा प्लस कोट स्क्वायर थीटा, ये अपना आंसर होगा। दूसरा तरीका इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, सेवन सेवन है, फाइव नहीं है, सॉरी सेवन। दूसरा तरीका हमारे इस क्वेश्चन का करने का क्या हो सकता है, आप लोग ऑप्शन मेथड से ऑप्शन पुट कर दीजिए इसमें। पहला तरीका ये था जो बेसिक था। दूसरा, आप लोग कोई भी थीटा का मान पुट कर दीजिए, एंगल पुट कर दीजिए। जैसे हम लोग मान लो कर दें 45 डिग्री, तो 45 डिग्री पर ये 1/√2, या 30 डिग्री रख दो, कुछ भी जो मन करे आपका। 30 डिग्री रख दिया जैसे 1/2, और ये 30 डिग्री पर होगा 2, ये 30 डिग्री पर √3/2, और ये 30 डिग्री पर होगा 2/√3। 4 तो ये 25/4 है, और ये यहाँ पर एलसीएम 2√3, 3 और 4 7, 49 अपॉन इसका स्क्वायर करोगे तो 12, तो
तो 124/12 तो ये आ जाएगा 31/3। तो हम लोग ऑप्शन देखेंगे कि कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 31/3 आ रहा है। तो आप लोग यहाँ पर रखोगे तो 7, इसकी वैल्यू √3 का स्क्वायर 3 और इसकी वैल्यू 1/√3 का स्क्वायर। तो ये 7 और 3 10 प्लस 1/3 सोल्व करोगे तो 31/3 ये अपना आंसर आ गया। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर पहला। आगे चलते हम लोग, ये आसान आसान क्वेश्चन है लेकिन करने आने चाहिए और दोनों तरीके से करना। आप क्वेश्चन को वैल्यू पुटिंग मेथड से भी करना और क्वेश्चन को आप लोग डायरेक्ट मतलब बेसिक तरीके से भी करना। कुछ लोग ओनली वैल्यू पुटिंग पर ही काम करते हैं और फिर कुछ क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ बेसिक से होते हैं और फिर उसमें वो फंस जाते हैं। इसलिए आप लोग इस चीज़ का ध्यान रखना कि वैल्यू पुटिंग मेथड से ही आपको। अगला क्वेश्चन समझाता हूँ मैं आपको, क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यहाँ पर लिखा हुआ है sin θ + sec θ का स्क्वायर प्लस cos θ + cosec θ का स्क्वायर। sin θ + sec θ का स्क्वायर + cos θ + cosec θ का स्क्वायर ये हम लोगों को दिया हुआ है। और अब की बार ध्यान रखना है sec θ है, अब की बार इंटू करने पर 1 नहीं होगा। और ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो इस प्रकार से दिए हुए हैं, 1 + sec θ × cosec θ का होल स्क्वायर, sec θ cosec θ। ऑप्शन तो ऐसे मिलेंगे। और मैंने कहा आज के क्वेश्चन आसान हैं, आपका बेसिक क्लियर करने के लिए हैं ताकि आप लोग आसानी से बेसिक क्लियर कर पाओ। तो आप लोग ये चीज़ ध्यान रखना कि जैसे ही क्वेश्चन आपके सामने आए आप लोग वीडियो पॉज करो और आप लोग उसको करने की कोशिश करो। तो उम्मीद है आपने क्वेश्चन किया होगा। अब हम लोग आगे चलते हैं। वीडियो हमेशा आप लोग पॉज करके क्या करो, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे आपको पढ़ना है, अपना दिमाग नहीं लगाना है ज़्यादा। जैसे मैं बोलते जा रहा हूँ उसी तरीके से मैं कह रहा हूँ, वीडियो पॉज करो तो मतलब करना है आपको। देखिए तरीका वही है, इसको हम लोग लिख सकते हैं, होल स्क्वायर करोगे तो sin²θ + 1/cos²θ + 2tan θ। आगे बड़ा लिखना पड़ेगा, 2 sin θ sec θ, sec थीटा होता है 1/cos, तो sin × sec 10 हम लोग लिख सकते हैं। ऐसे इसका होल स्क्वायर करोगे cos²θ + cosec²θ + 2cot θ। होल स्क्वायर हम लोगों ने कर लिया तो अपने पास यहाँ से आएगा cot थीटा लास्ट में, 2 cot θ, 2 cos θ cosec θ, cosec 1/sin होता है, ओनली 2 नहीं आएगा, ध्यान रखना। कुछ लोग ये गलती कर देते हैं, sin²+cosec², 1/sin²+cosec², 1/sin²+1/cos² लिख लेंगे, 1/cos² है और 1/sin² है, ठीक है ना। तो ये दोनों मिलकर बन जाएंगे 1/cos²θ × sin²θ + आप लोग खुद भी, आप लोग जब खुद क्वेश्चन करो ना तो स्टेप गाइड करना सीखो ताकि बेसिक भी करो और टाइम भी बचे। तो यहाँ पर ये एलसीएम लोगे sin²+cos², तो ऊपर तो sin²+cos² कितना आ जाएगा 1 और नीचे अपने पास cos² × sin² एलसीएम बच जाएगा। जैसे अब ये जो है इन दोनों से अगर मैं 2 कॉमन ले लूँ तो ये मैं लिखूंगा 1/sin θ × cos θ बचेगा, sin/cos होगा, cos/sin होगा, तो tan θ + वैसे तो मैंने और भी डायरेक्ट आपको बता दिया कि tan θ + cot θ को आप लोग sec θ × cosec θ लिख सकते हो, लेकिन एक स्टेप मैंने लिख दी sin/cos, cos/sin, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ऊपर तो बन जाएगा 1 और नीचे एलसीएम ये बच जाएगा। तो ये आ गया 1 + sec²θ × cosec²θ + 2sec θ कोसेक थीटा, तो 1 का स्क्वायर 1 a² + b² + 2ab, तो 1 + sec θ × cosec θ का होल स्क्वायर बन रहा है, 1 + sec θ × cosec θ का होल स्क्वायर बन रहा है। तो ये अपने पास आंसर आ गया क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तरीका। दूसरा तरीका क्या हो सकता है, आप लोग थीटा का मान पुट कर दो, यहाँ पर थीटा की कोई भी वैल्यू पुट कर दो। सेकेंड जो मेथड हो सकता है, देखिए दोनों तरीके से आपको क्वेश्चन आना चाहिए क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होंगे जो मतलब ओनली और ओनली बेसिक से ही होंगे। बेसिक से तो सारे क्वेश्चन होंगे लेकिन कभी कभार बेसिक आपको नहीं आएगा तो उसमें वैल्यू पुटिंग मेथड लगाएंगे, उससे जल्दी हो जाएगा तो उससे कर लेंगे। तो दोनों तरीके से आने चाहिए आपको क्वेश्चन,
वैल्यू पुटिंग मेथड से भी आना चाहिए और बेसिक से. बेसिक से सभी क्वेश्चंस होंगे, लेकिन कभी कभार उसका बेसिक समझ में नहीं आएगा और उस क्वेश्चन में वैल्यू पुट कर दें तो वो जल्दी हो जाएगा. और कभी कभार क्वेश्चन ऐसे भी होगा जो वैल्यू पुट करने से आपसे नहीं होगा, उसके लिए हमें बेसिक भी लगाना पड़ेगा. तो देखिए 45 रख दो, जो मर्जी है वो रखो आप लोग. 45 डिग्री रख दो तो 45 की वैल्यू 1/√2 और ये होता है √2 का स्क्वायर. ये भी क्योंकि सेम रखोगे तो जल्दी अपने पास 1/√2 cos 45 और ये √2, तो ये 3/2 का मतलब 9/2 और गुना 2, तो आंसर आ गया 9. कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर अपने पास 9 आ रहा है वो हम लोग चेक करेंगे. 1/√2 √2 तो 1+2 3 का स्क्वायर 9, ये वाला ऑप्शन ठीक है. ये अपने पास 4 बन जाएगा तो ये नहीं आएगा, ये अपने पास 2 ही बनेगा और ये अपने पास 1+1/√2 ये बनेगा तो ये भी 9 नहीं आएगा. तो ये तीनों ही 9 नहीं आएंगे और पहला ऑप्शन आ गया है 9 ही आ रहा है, इसका मतलब ये ठीक है. तो क्या आपको बेसिक मेथड प्लस वैल्यू पुटिंग मेथड समझ पाए हो क्या आप लोग? क्वेश्चन आसान है ये बात आप लोग ध्यान रखना, लेकिन आप लोग पूरा वीडियो अगर देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को सीखने को मिलेंगी और आपकी प्रैक्टिस बढ़ेगी. देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मैंने कहा मैं आसान आसान से क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, लेकिन वो एग्जाम्स में भी आए हुए हैं और ऐसे क्वेश्चंस भी आते हैं, छोटे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ये आप ध्यान रखना. और ऐसा 100% आपको देखने को मिलेगा, कहीं ना कहीं ऐसे क्वेश्चंस कोई भी एग्जाम दोगे तो आपको ऐसे क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे. sec^4θ - sec²θ और ऑप्शन ये है, 10^4θ + 10²θ, 10^4θ + sin²θ, 10^4θ + 10²θ, 10^4θ + 10²θ. क्वेश्चन अपने पास sec^4 - sec² है. अलजेब्रा से ये आप लोगों को पता होगा, अलजेब्रा मैंने अभी नहीं पढ़ा है, मैं पढ़ाऊंगा आपको. a माइनस बी और a प्लस बी, तो यहाँ पर अपने पास ये sec² का स्क्वायर और ये sec² है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ sec² अगर कॉमन ले लें एक बार तो अंदर बचेगा sec²θ - 1, ऐसे लिख लो आप इसको, क्योंकि 1+tan² = sec² होता है, ऐसा हमें याद है. इसको छोड़ दीजिए, इसको ऐसे लिख लो, क्योंकि टेन में बदलना है, ऑप्शन टेन में हमें दिखाई दे रहा है, तो टेन में अगर बदलना है तो sec²θ ये लिख दिया. और हमें ये पता है कि एक फॉर्मूला होता है 1+tan²θ = sec²θ, तो बताओ sec²θ - 1 क्या लिख सकते हैं? आप बोलोगे सर sec²θ - 1 तो 10² लिख सकते हैं, तो हमने क्या किया, sec²θ - 1 को तो 10² कर दिया, और sec² की जगह क्या लिख सकते हो, 10²θ + 1. सिर्फ और सिर्फ वो यही चाहता है इस क्वेश्चन से कि आपको ये वाला फॉर्मूला आता है या नहीं आता, सिर्फ इतना सा है. तो sec²θ की जगह तो 1+tan² और इसकी जगह ये कर दिया, इनटू करोगे तो 10^4 + tan²θ, ये अपना आंसर आ गया. तो आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, तो हम लोग ऐसे आप लोग सोल्व कर लोगे और अपने पास आंसर आ जाएगा. दूसरा तरीका अपने पास क्वेश्चन करने का क्या हो सकता है, सेकंड मेथड अपने पास, एक तो तरीका ये है और मैं दोनों तरीके समझा रहा हूँ एक ही क्वेश्चन में. जब दोनों तरीके में समझाता हूँ तो आपको चीज़ें ज़्यादा समझ में आती हैं सही तरीके से. तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है, बेसिक, ये भी कोई बड़ा नहीं है, देखो बेसिक भी कोई बड़े नहीं होते, अगर थोड़ा सा आप लोग बीच बीच से स्टेप गायब करना अगर सीख जाओगे तो बेसिक से भी क्वेश्चन हो जाते हैं. और बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हुआ, आप लोग पूछना उनसे एक बार, एक तो ये हवा बना दी जाती है कि ट्रिक्स, आप लोग एक बार पूछना, जिसका भी सिलेक्शन हुआ उसको आप लोग मिलो, पूछो कि वो उसने बेसिक से किया था या 100 के 100 क्वेश्चन ही ट्रिक्स से किए थे. तो ध्यान रखना 50 में से 50 के अप्रोक्स क्वेश्चन में ट्रिक्स भी लग जाती है, लेकिन 50 क्वेश्चन आपको बेसिक से भी करने पड़ेंगे मेंस में, मेंस का पेपर जो आता है, तो आप बेसिक में स्टेप गाइब करना सीखो ताकि बेसिक जब क्वेश्चन करो और तब भी आपका टाइम बचे. अलजेब्रा में भी आप लोग देखना इसी तरीके से हम लोग बेसिक में टाइम कैसे बचा सकते हैं वो भी सीखेंगे, और वहां पर भी वैल्यू पुटिंग मेथड होती है वो भी हम लोग सीखेंगे. तो इसका थीटा का मान 45 रख दो, तो 45 अगर रख दोगे तो अपने पास ये आ जाएगा √2^4 - √2² तो ये अपने पास आ गया 2² = 4 और ये आ गया 2, तो आंसर आ गया 2. कौन से ऑप्शन को सोल्व करने पर 2 आ रहा है, तो 45 डिग्री रखोगे तो 1, 45 डिग्री रखोगे तो 1, 1+1 2 फर्स्ट ऑप्शन से आ रहा है, बाकी नहीं आएगा.
अगर बाकी दो आ जाए तो फिर आपको थीटा का मान चेंज करना पड़ेगा, यहाँ 30 डिग्री रख के करना पड़ेगा, फिर अपने पास एक ही ऑप्शन आ जाएगा। कभी अगर ऐसा हो थीटा की वैल्यू 45 डिग्री रखी और आपके अगर दो ऑप्शन मैच हो गए, तो ये मत मानना कि गलत हो गया, सोचो कि किसी भी एक को कर देता हूँ दोनों सही हो जाएंगे, ऐसा नहीं होता। ध्यान रखना, दो ऑप्शन अगर आ गए हैं इसका मतलब आप लोग क्या करोगे, फिर थीटा का मान चेंज करो, वहाँ पर 45 की जगह 30 करो, फिर वो जो दो थे उसमें से एक ही बचेगा। जैसे ऐसे आ जाए, ये आ जाए, तो अब ये भी 2 आ रहा है और ये भी 2 आ रहा है, तो अपने पास ऑप्शन तो एक ही हो सकता है। ऐसे नहीं सोचना कि ऑप्शन दोनों ही सही होंगे, कोई सा भी टिक कर दो, ऐसे सी को नंबर देने पड़ेंगे। फिर आप क्या करोगे, थीटा की वैल्यू 45 डिग्री पर अगर दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं तो थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हम लोग पुट करेंगे। और ये जो है अपने पास, ऐसे अगर कभी आए तो इसको हम लोग पहले ही सोच लेते हैं इसका, ताकि यहाँ पर ये टाइम दो और फिर दूसरी वैल्यू रखो। इसलिए ऑप्शन देख के हम लोग कभी कभार पहले ही सोच लेते हैं, ऑप्शन भी हम लोग देखते हैं वैल्यू पुटिंग में कि कहीं 45 डिग्री रखने पर दो ऑप्शन तो मैच नहीं हो जाएंगे, तो 45 पर इनकी वैल्यू सेम ही होती है 10 और कोट की। तो ये थोड़ा सा हम लोग, और ये चीज़ें प्रैक्टिस से ही आएंगे आपको। अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 2 sec² थीटा। (2 sec²θ - sec^4θ - 2 cosec²θ) (+cosec^4θ) ए ऑप्शन है cot^4θ, बी ऑप्शन है (sin^4θ - tan^4θ) सी ऑप्शन है (cot^4θ - sec^4θ) डी ऑप्शन है (cosec^4θ - sec²θ) ये अपने पास क्वेश्चन है। आसान सा क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान, कोई टफ नहीं है, कोई ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा टफ है, ऐसा कुछ नहीं है, आसान क्वेश्चन है। तो आप लोग करने की कोशिश करो, जब भी वीडियो आपके सामने आए वीडियो को आपको पॉज करना है, और क्वेश्चन आए मतलब आपके सामने, जैसे ही क्वेश्चन आए तो वीडियो को पॉज करना है और क्वेश्चन को करने की कोशिश करनी है। कैसे करेंगे देखिए, ये अपने पास (sec^4θ) है, ये 2 sec²θ है। अगर हम लोग यहाँ पर +1 और हो तो होल स्क्वायर बन जाएगा (a²+1), तो (a^4+1+2a²) या -1 अगर बन जाए, -2 हो तो ये माइनस का बन जाएगा। होल स्क्वायर का फॉर्मूला आप लोगों को पता होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां पर 1 और चाहिए हमें, ये अपने पास है हमें होल स्क्वायर बनाने के लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, (cosec^4θ) को पहले लिख लो (-2 cosec²θ)। हम लोग क्या करेंगे, इसमें +1 करेंगे, और ये जो है (-sec^4θ) (+2 sec²θ) -1 करेंगे। पूरी इक्वेशन में हम लोगों ने +1 कर दिया, और साथ अगर कहीं प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, किसी चीज का इनटू किया है तो डिवाइड भी करना पड़ेगा। मैथ्स में ध्यान रखना, बैलेंस करने के लिए 1 प्लस किया है तो 1 माइनस करना पड़ेगा, कभी इनटू करो तो डिवाइड करना पड़ेगा, माइनस करो तो फिर आगे प्लस करना पड़ेगा। तो ये जो यहां से यहां तक, इसको लिख सकते हैं हम लोग (cosec²θ - 1 होल स्क्वायर) और ये माइनस अगर कॉमन ले लें, माइनस आगे से कॉमन ले लें, तो sec के एक बार लिख देता हूं मैं आपको, ताकि जिसका थोड़ा सा ज्यादा वीक है ट्रिग्नोमेट्री उसको भी सही समझ में आए। तो ये अपने पास ये बन जाएगा (cosec²θ - 1 होल स्क्वायर) और ये (sec²θ - 1 होल स्क्वायर) (cosec²-1) क्या कोट स्क्वायर होता है क्या, ये याद होना चाहिए। ये याद नहीं है तो मैं ट्रिग्नोमेट्री नहीं समझा पाऊंगा। 1 + cot² = cosec², तो (cosec²-1) cot², तो ये आ गया (cot^4θ - 10^4θ). तो अपना आंसर आ गया (cot^4θ - 10^4θ), ये अपना आंसर। हाँ ना बताओ, समझ पाए हो क्या? तो इस तरीके से आप लोगों को, दूसरा आप लोगों को ये क्वेश्चन वैल्यू पुटिंग मेथड से करो। अब वैल्यू पुटिंग मेथड से आपको खुद को करने की कोशिश करनी है, ये आप लोग ध्यान रखना। सेम क्वेश्चन, एक चीज़ ध्यान रखना, आपकी बार
एक पॉइंट मैं बता देता हूँ छोटा सा, क्योंकि ये चीज़ें पहले सोचो, नहीं तो लिखने के बाद आपका टाइम लगेगा, टाइम लगने के बाद आपको समझ में आएगा अरे ये तो मैंने थीटा का मान गलत रख लिया। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे ही पढ़ते हैं कि उनको लगता है कि थीटा का मान कुछ भी रख दो आंसर आ जाएगा, ट्रिग्नोमेट्री खत्म। लेकिन जब आप लोग यहाँ पर जैसे थीटा की वैल्यू 45 रख लोगे, ये चीज़ें पहले सोच कर रख चलना, जैसे 45 डिग्री अगर रख लिया तो 45 में ये भी जीरो आ गया, 45 में ये भी जीरो आ गया, फिर कौन से को टिक करोगे आप? दो ऑप्शन जीरो हो गए, और जीरो तो वैसे बनना भी नहीं चाहिए ऑप्शन या क्वेश्चन ऊपर। मान लो यहाँ पर रखा 45 डिग्री रखोगे तो यह आ जाएगा 2 2 2 × 2, ये आ जाएगा 4, ये आ जाएगा 2 × 2, और ये आ जाएगा 4। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, जीरो आ गया, लेकिन जीरो में तो दो ऑप्शन मैच हो रहे हैं। तो फिर थीटा का मान आप चेंज करोगे कि थीटा की वैल्यू मैं 30 डिग्री रख दूं। तो ये बात आप लोग छोटी छोटी जो चीज़ें हैं इसको आप लोग ध्यान रखना कि थीटा का मान क्या रखने पर अपने पास सही आंसर आएगा, ये चीज़ आप लोगों को पता होनी चाहिए। तो कोशिश करना क्वेश्चन को ऑप्शन मेथड से करने की, ताकि आप आसानी से क्वेश्चन कर पाओ। नेक्स्ट देखिए आप लोग अगला क्वेश्चन, साइन ए माइनस साइन बी अपॉन कोस ए प्लस कोस बी, एकदम आसान क्वेश्चन है। तो प्लस कोस ए माइनस कोस बी अपॉन कोस साइन ए प्लस साइन बी, मैं फिर कह रहा हूँ सभी को हम लोग साथ लेकर चलते हैं, जिसको कुछ नहीं आता वो भी इस चैनल से सीख सकता है, और जिसको कुछ चीज़ें आती हैं वो भी इस चैनल से काफ़ी सारी चीज़ें सीख सकता है। इस प्रकार से अपने पास क्वेश्चन है, तो यहाँ से इधर अपने पास एलसीएम आ जाएगा, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। एलसीएम आ गया, इधर गुना करोगे तो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस, ये इधर गुना करोगे तो कोस स्क्वायर ए माइनस कोस स्क्वायर बी, और नीचे एलसीएम जो भी आए इसको गुना करने पर कोस ए प्लस कोस बी इंटू साइन ए प्लस साइन बी। मुझे बताइए साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए कितना होता है? 1, और माइनस कॉमन ले ले तो ये भी 1, तो ऊपर आ गया 1 माइनस 1, तो आंसर 0, ये अपना आंसर। तो आसान क्वेश्चन, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, ये आप लोग ध्यान रखना, इसको आप लोग करने की कोशिश करना, एकदम आसान है, एलसीएम लेते ही आंसर आ गया। नेक्स्ट देखिए आप लोग क्वेश्चन अपने पास, ये चीज़ें आपको पता होंगी, ये मैं लिखवा चुका हूँ, और ये याद रखो, मैं बार बार बता रहा हूँ ताकि आप लोग अगर कोई नहीं भी याद करे तो भी उसको याद हो जाए, और इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। साइन की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा बराबर 1 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, इन पर बेस्ड क्वेश्चन आते हैं, ये चीज़ें याद रखना। बहुत सारे पॉइंट मैंने याद करवाए हैं, क्योंकि आप मेंस का एग्जाम देने बैठोगे तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए, ये आप लोगों को याद होना चाहिए। तो देखो अपने पास लिखा हुआ है क्वेश्चन इस प्रकार से है, 2 sin की पावर 6 थीटा कोस की पावर 6 थीटा माइनस 3 sin की पावर 4 थीटा कोस की पावर 4 थीटा प्लस 1, 4 2 1 और 0, तो हमें तो कुछ नहीं करना, आपको वैल्यू भी चाहो तो पुट कर लो, चाहो तो वैल्यू पुट कर लो, जैसे आप लोग 90 डिग्री रख दो तो 2 माइनस 3 और प्लस 1 तो 0 अपना आंसर आ गया। 0 ऑप्शन में भी है, एक ही मैच हो रहा है तो अपना आंसर आ गया, लेकिन 0 के बराबर 0 प्रूव करना कई बार सही नहीं रहता, लेकिन इसमें तो ऐसा ही होगा, 0 के बराबर 0 प्रूव करने में थोड़ी टेंशन होती है कि क्या पता सही है गलत है, लेकिन इसमें तो ठीक है, इस क्वेश्चन में तो, क्योंकि आंसर भी इसका 0 ही अपने पास आएगा। तो आप यहाँ पर देखिए, इसकी जगह लिख सकते हैं हम लोग, ये यहाँ सॉल्यूशन कर रहे हैं आप लोग, इतना तो मैंने समझाया, क्वेश्चन यहाँ तक है, वो चीज़ें मैंने पहले भी आपको बताई हैं, ये याद होना चाहिए आपको। इसकी जगह हम लोग लिख सकते हैं 1 माइनस 3 sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह 1 माइनस 2 sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1, तो ये आ गया 2 माइनस 6 sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा माइनस 3 प्लस 6 sin² थीटा कोस स्क्वायर थीटा प्लस 1।
दो रेख तीन, तीन में से तीन माइनस करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा, जीरो, ये अपना आंसर है। तो ये चीज़ें आसान होंगी, तो कई बार क्वेश्चन में ऐसा ही आता है, आप लोग पुट करोगे, सोल्व करोगे, आंसर आ जाएगा। फटाफट हम लोग सोल्व कर रहे हैं, छोटे छोटे आसान आसान क्वेश्चंस, और ऐसे क्वेश्चंस 10 में से एक दो क्वेश्चंस ऐसे दिखाई देंगे आपको, ये बात आप लोग ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 + 10a 10b (10a - 10b) ऑप्शन है अपने पास sec² a sec² b। सेकंड जो ऑप्शन है बी ऑप्शन, वो अपने पास है tan² a tan² b। sec² a sec² a दोनों ही। डी ऑप्शन है tan² b tan² b। वन प्लस टेन ए टेन बी ये अगर दिया हुआ है तो हम लोग क्या करेंगे, इसका होल स्क्वायर अगर कर दें तो 1 + 10² a 10² b प्लस 2 10a 10b। इसका होल स्क्वायर अगर आप लोग करोगे तो 10² a + 10² b माइनस 2 10a 10b होल स्क्वायर में, इससे कट जाएगा। इन दोनों से अपने पास 10² कॉमन आ जाएगा, तो 10² कॉमन आ जाएगा तो अंदर बचेगा 1 + 10² b और बचा भी 1 + 10² b। फिर से अपने पास कॉमन आ रहा है 1 + 10² b दोनों जगह से, तो बचेगा उधर से तो 1 बचेगा और इधर से 1 बचेगा। तो अपने पास 10² b इंटू अपने पास ये जो दिया हुआ है 10² b और 1 + 10² तो 1 + 10² क्या होता है sec² a और ये क्या होगा अपने पास sec² b, ये अपना आंसर है। sec² a into sec² b ये अपने पास आंसर है। क्वेश्चन को मैंने कहा है कि अगर आप लोग सारे ही क्वेश्चन मैं ही समझाते चलूँगा तो फिर आपका दिमाग चलना शुरू नहीं होगा। वैल्यू पुटिंग मेथड क्योंकि एक अप्रोच है और आप लोग बार बार गलती करोगे कि अरे ये तो मैंने गलत रख दिया, उसके बाद ही आपका दिमाग एग्जाम में चलेगा, ताकि वो गलतियाँ आप लोग एग्जाम में नहीं करो। तो शुरुआत के 3-4 क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ वैल्यू पुटिंग से, बाद के 3-4 क्वेश्चन आप लोग खुद क्या करो वैल्यू पुटिंग से, ठीक है ना, ताकि आपकी भी प्रैक्टिस बने। मैं तो 1-1 सेकंड में करवा दूंगा, मुझे तो टाइम लगेगा ही नहीं, लेकिन आप लोग खुद भी कोशिश किया करो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, अगला क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है cot² a (sec - 1) (1 + sin a) sec² a (sin a - 1) (1 + sec a) ऑप्शन में इसलिए लिख देता हूँ, ऑप्शन जो क्वेश्चंस के हैं वो मैं इसलिए लिख देता हूँ क्योंकि आप लोग, ताकि वैल्यू पुटिंग से जब खुद करो तो आपको समझ में आए कि कौन सा गलत हो गया और कौन सा सही हो गया। तो इसका एलसीएम तो नीचे जो भी आएगा, इसका जब इससे गुना करोगे, ध्यान देना, इसका जब इससे गुना करोगे 1 + sec का इससे गुना करोगे तो sec² - 1, और sec² - 1 को 10² लिख सकते हैं, ये तो याद है ना, और 10² * cot² कितना बन जाएगा 1। नीचे एलसीएम जो भी हो इसका यहां पर गुना करते ही 1, और जब इसका यहां से गुना करोगे तो sin² - 1, 1 - sin² cos² होता है, sin² - 1 - cos² तो माइनस तो बाहर कॉमन आ जाएगा, और cos (sin) 1 तो ऊपर 0, नीचे एलसीएम कुछ भी हो आंसर अपने पास कितना आएगा 0, ये अपना आंसर है। तो आसान सा छोटा सा क्वेश्चन, बिल्कुल आसान, देखोगे अचानक से कि इतना बड़ा क्वेश्चन लिखा हुआ है कैसे सोल्व करूं वैल्यू पुटिंग से, ये वो वैल्यू पुट से एक बार करना चाहो कर लेना, क्योंकि ताकि आपकी थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाए, बाकी अदरवाइज आप लोग क्वेश्चन का ये भी तरीका देखो कितना छोटा सा, लिखना ही नहीं पड़ा कुछ, बस सोचना है आंसर आ जाएगा। और मैंने कहा है ऐसे क्वेश्चन ही टफ हो जाते हैं जब आप लोग प्रैक्टिस नहीं करते एग्जाम्स में, अगर प्रैक्टिस करके नहीं जाओगे तो ये वाले क्वेश्चन ही आपको लगेंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया। अगला क्वेश्चन देखो, ये अपने पास लिखा हुआ 1 + cot θ + tan θ और आगे अपने पास लिखा हुआ है sin θ - cos θ अपॉन, नीचे अपने पास लिखा हुआ है sec³ a - cosec a
sec क्यूब थीटा माइनस कोसेक क्यूब थीटा। क्वेश्चन में अगर कभी भी समझ में नहीं आया, इस क्वेश्चन में आप लोग 45 डिग्री मत रख लेना, क्योंकि 45 डिग्री से जीरो बन जाएगा, अपॉन में भी इनफाइनाइट बन जाएगा, जो आपको परेशान करेगा। तो 45 मत रखना। और ये कौन सी वैल्यू नहीं रखनी, ये आपको सिर्फ और सिर्फ समझ में आएगा आपको जब आप लोग खुद कोशिश करोगे क्वेश्चन को सोल्व करने की, है ना। थीटा की वैल्यू जीरो और 90 भी नहीं रख सकते, जीरो पर यह इनफाइनाइट बन जाएगा, 90 पर यह इनफाइनाइट बन जाएगा। तो बची कितनी, 30 और 60 रख लो, ऑप्शन चेक कर लो, आंसर आ जाएगा। तो ऐसे जो ये तरीका है ना कि ये नहीं रख सकते, ये नहीं रख सकते, ये रख सकते हैं, तो ये प्रैक्टिस से ही आएगा, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस से। बाकी क्वेश्चन का तरीका जब भी नहीं समझ में, ऑप्शन नहीं लिख रहा हूं मैं, जब भी क्वेश्चन नहीं समझ में आप लोग साइन और कोस में बदल लो। अपॉन में इधर लिख देता हूं, ये वन अपॉन कोस, सेक की जगह आएगा कोस, तो देखो ये आ गया कोस थीटा इंटू साइन थीटा, जब एलसीएम लोगे, प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। ये इधर गुना करोगे, क्योंकि साइन थीटा कोस थीटा एलसीएम है, कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अपॉन नीचे एलसीएम चल रहा है साइन थीटा कोस थीटा, ये साइन थीटा माइनस कोस थीटा, अपॉन में अपने पास ये चल ही रहा है, इसका एलसीएम लोगे तो साइन क्यूब थीटा माइनस कोस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू कोस थीटा का क्यूब। तो देखो साइन थीटा कोस थीटा से एक कट जाएगा, पावर दो ही बचेगी, तो नीचे तो बचा साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर, और ये जो अपने पास है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये जो ये इससे कंप्लीट कट जाएगा अलजेब्रा से, क्योंकि अलजेब्रा का पॉइंट है ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को याद होना चाहिए। नहीं याद है तो मैं लिख देता हूँ, और अलजेब्रा में तो मैं आप लोगों को बता ही दूंगा, सारी चीज़ें सिखाई दूंगा, ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये a माइनस बी इससे कट जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो ये ऊपर पलट कर जाएगा, तो क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा इंटू कोस स्क्वायर थीटा, ये अपना आंसर। या वैल्यू जो है वो आप लोग 0, 45 और 90 क्यों नहीं रख सकते, ये मैं बता चुका हूँ, 30 और 60 रख लेना, आपका आंसर आ जाएगा ये वाला। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर अपने पास लिखा हुआ है, इसमें लिखा हुआ है टेन थीटा प्लस साइन थीटा, बराबर m, और tan थीटा माइनस साइन थीटा बराबर n, और हम लोग उनसे पूछा कि बताओ 4mn क्या होगा, a b c और d। अब यहां पर अपने पास लिखा हुआ है 4 tan थीटा साइन थीटा, दूसरा लिखा हुआ है 4 साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा, 4 साइन थीटा कोस थीटा, 4 tan थीटा cos थीटा, ऐसे ऑप्शंस हैं। तो ध्यान रखना, आप लोगों को याद होगा कि tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा होता है। ये चीजें मैं याद करवा चुका हूँ, लिखवा चुका हूँ, cot स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर होता है, ये मैं लिखवा चुका हूँ। जिस स्टूडेंट ने याद कर लिया वो अच्छा है, जिसने याद नहीं किया या पिछले वाले वीडियोज़ नहीं देखे वो एक बार देखो और उनको याद करो। एक जगह सारे के सारे पॉइंट लिखवाए थे कि ये याद करना मेंस के लिए। तो जैसे आप लोग इन दोनों को गुना करोगे, m को n से गुना करोगे, तो ये a प्लस बी है और ये a माइनस बी है, तो ये आ जाएगा टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। और बताओ टेन स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हो, टेन स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर भी लिख सकते हो, लेकिन रूट के अंदर है तो 4 इंटू टेन थीटा इंटू साइन थीटा। यानी ये चीज़ें अगर याद होंगी तो आपको इन क्वेश्चंस में, ये इस टाइप के क्वेश्चंस हैं जिसमें आपको पेन चलाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और डायरेक्ट आपका आंसर आएगा। ऐसा ही क्वेश्चन ध्यान रखना, ये तो टेन और साइन में बन गया, कोट और कोस में भी बन सकता है सेम क्वेश्चन, ये आप लोग याद रखना। तो ये थे अपने क्वेश्चंस, आज की क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे, बाकी की चीज़ें हम लोग अपनी क्लास अगली क्लास में पढ़ेंगे। वीडियो को शेयर करते रहो, और वीडियो देखने के बाद फ्री में वीडियो नहीं देखा करो, लाइक पक्का किया करो। बाकी चीज़ें अगली क्लास में, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू इन द नेक्स्ट क्लास।